हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अप्रॉक्सीमेटली अबाउट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया के बारे में पढ़ा था और हमने थोड़ा सा पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। व्हाट डू मीन बाय हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट डू मीन बाय मायोपिया। तो अब तीसरा जो डिफेक्ट था हमारा, द डिफेक्ट इज नॉन एज प्रेस बायोपिया। द डिफेक्ट इज नॉन एज प्रेस बायोपिया। इस डिफेक्ट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस डिफेक्ट। तो क्या होता है, ये जो डिफेक्ट है ना, दिस डिफेक्ट को हम ओल्ड एज डिफेक्ट भी कहते हैं। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज ओल्ड एज डिफेक्ट। ये डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आईज है ना, वो अब इमेज को अच्छे से फोकस नहीं कर पाती। बुढ़ी आंखें हो चुकी हैं, आंखों ने जिंदगी भर कितना देखा। आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, आप अच्छी चीज़ें भी देखते हैं, बुरी चीज़ें भी देखते हैं, गेमें भी खेलते हैं और बहुत कुछ करते रहते हैं। तो ये जो आंखें हैं वो थक चुकी हैं। आंखें थकने का मतलब क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स हैं ना वो थक जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो इमेज है वो पूरे अच्छे से नहीं बन पाती, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि पास का ढंग से नहीं दिखता, इसमें दूर का भी ढंग से नहीं दिखता। तो क्या होता है कि इसमें पास का भी ढंग से नहीं दिखता और दूर का भी ढंग से नहीं दिखता। तो होता क्या, दिस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। जो सीलियरी मसल्स हैं, जो आपकी मेन काम क्या होता है सीलियरी मसल्स का, जो ये जो सीलियरी मसल्स होती है ना, ये आपके आई लेंस को एडजस्ट करती हैं। सीलियरी मसल्स वीक होगी, दिस डिफेक्ट अकर्स एंड Our eye lens does not able to make a sharp image। जो आपका eye lens है वो sharp image नहीं बना पाता। Does not able to make a sharp image, वो sharp image नहीं बना पाता, ठीक है बेटा जी। अब इस defect में क्या होता है, in this defect A person is not able to see nearby objects as well as far objects clearly। तो इस defect में जो person है वो ना तो पास का देख पाता है ढंग से और ना ही दूर का देख पाता। अगर बाय चांस कहीं पे रिफ्लेक्शन आ भी रही है बेटा जी, तो एक चीज़ याद रखिए कि आपको उस जगह पे, मैं बोल ही देता हूँ तो सुन लेना, ठीक है ना। डायग्राम वाली चीज़ मैं वहाँ पे बनाऊंगा नहीं, मैं साइड में बना दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये डिफेक्ट जो होता है वो आपका वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, और जो आई लेंस है वो शार्प इमेज रेटिना पर नहीं बना पाती। इस डिफेक्ट में पर्सन ना तो पास का देख सकता है और ना ही दूर का देख सकता है। अब एक बंदे को दोनों डिफेक्ट है, मतलब It means he is suffering from myopia as well as hypermetropia। तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा myopia से भी suffer कर रहा है और hypermetropia से भी suffer कर रहा है एक ही time पे। कैसे हो सकता है सर जी, दोनों defect हो गए। हो तो सकता है, बट इसको ठीक कैसे करें। तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या करें, तो देखो बेटा, ये जो आपका डिफेक्ट है ना, ये ठीक कैसे होता है, ये आपका जो डिफेक्ट है ना उसके लिए स्पेशल टाइप के लेंस बनते हैं। हाउ इट कैन बी करेक्टेड कैसे आप इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। सो इट कैन बी करेक्टेड by using bifocal lens use करके आप इसको correct कर सकते हैं। अब इस bifocal lens का मतलब क्या होता है, bifocal lens का मतलब होता है combination of both concave
एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है। अब कहाँ कैसे हो, देखो बेटा जिनको ये डिफेक्ट की प्रॉब्लम होती है ना, उनके चश्मे में अगर आपने देखा होगा तो ऐसे दो परत चढ़ी होती हैं उनके चश्मे में ना, ऐसे दो परत चढ़ी होती हैं, ठीक है, नीचे वाला और ऊपर वाले दो अलग से सेपरेट होती हैं। अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूँ ना, आपने निजामन सर को अगर देखा होगा ना, तो निजामन सर में बाईफोकल है, उनको पास का भी और दूर के देखने दोनों में दिक्कत होती है, तो चश्मा लगाते हैं बाईफोकल। देखो बेटा, पास का देखने के लिए आपको कौन सा चश्मा चाहिए, पास का देखने के लिए आपको चाहिए कन्वेक्स, क्योंकि अगर पास की दिक्कत होती है तो आपको कौन सा चश्मा लगाना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस का। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो कन्वेक्स के लिए होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसका वो कनकेव होता है। ऊपर आंखें करोगे तो वो आपका दूर का देख लेगा ऊपर उठाने के बाद, और नीचे करने के बाद वो आपका पास का देख लेगा। तो इसमें दोनों तरीके के लेंस होते हैं, जिस तरीके से वो बंदा दोनों चीज़ों से लड़ाई कर सकता है, दोनों चीज़ों से फाइट कर सकता है। इट मीन्स कि ये जो प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है वो आपकी दोनों तरीके के बाईफोकल लेंस लगा के ठीक करी जा सकती है, ठीक है बेटा। जी, तो प्रेस बायोपिया के बारे में पता लगा, मेन कारण क्या है, मेन मुख्य कारण है बुढ़ापा आ गया, ठीक है। बुढ़ापा सबसे बुरी चीज़ है, नहीं आना चाहिए, बट आ गया तो अब क्या कर सकते हैं, सीलियरी मसल्स वीक हो चुकी हैं, शार्प इमेज बन नहीं रही है, ठीक कैसे करें, चश्मा लगवा लो जी, बाईफोकल लगेगा। बाईफोकल का मतलब जिसमें कनकेव भी हो और कन्वेक्स भी हो, कनकेव भी हो और कन्वेक्स भी हो, क्लियर बेटा जी। तो प्रेस बायोपिया से अब आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं हाँ जी, तो लास्ट डिफेक्ट जिसका इलाज जो है वो नहीं है, पहली बात तो मतलब चश्मा उसका इलाज नहीं है। ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हिंदी भाषा में बोला जाता है मोतिया, हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है, मोतिया। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ए पर्सन, लेट मी चेक यार, डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है, कौन सी जगह पे आ रही है, ठीक है, हल्का सा ऊपर इससे मतलब, ठीक है, तो इस लाइन से थोड़ा सा मैं बच के रहूँगा। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट्स को सही से नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता, ड्यू टू अ ब्लर विजन या ड्यू टू अ ब्लरनेस फॉर्म्ड ऑन द आई। तो जो आई होती है ना, जो आँखें हैं उसके ऊपर ब्लर ब्लर हो जाता है, ऐसा लगता है कि पूरी एक जाल आ गया आँखों के ऊपर, सब कुछ ऐसा लगता है ब्लर है, धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है इस कैटरेक्ट मोतिया में, ठीक है जी। आँखों को ढंग से नहीं दिखता, ऐसा लगता है सब कुछ धुंधला धुंधला, सब कुछ पास का दूर का सब कुछ धुंधला धुंधला। अब इस डिफेक्ट का एकमात्र इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, तो इट कैन ओनली बी करेक्टेड। तो इस छोटी सी बात थी, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी करेक्टेड बाय यूजिंग कौन सी सर्जरी। सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी हो गया है तो मोतिया का सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है, मोतिया के लिए कोई भी चश्मा नहीं हो सकता। यू कांट यूज एनी टाइप ऑफ लेंस, एनी टाइप ऑफ स्पेक्स फॉर दिस कैटरेक्ट मोतिया। आपको अगर ये बीमारी हो चुकी है तो आपको चश्मा लगवाना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, आपको चश्मा लगवाना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है बेटा जी। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैसे टाइप के लेंस चढ़ते हैं और कैसे उनकी करेक्शन की जा सकती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म जो होगा ना वो बेसिकली ऐसा ट्रायंगल शेप का होता है, इसकी पीछे से भी साइड्स होती हैं, देखा होगा ट्रायंगुलर शेप का होता है, नीचे से रेक्टेंगल होता है और सामने से दोनों साइड से आगे पीछे वाली साइड से ट्रायंगल दिखता है, तीन साइड रेक्टेंगल होती है। अगर मैं उसको दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे वैसे दिखा नहीं सकता, कुछ ऐसा होता है, हाँ
कुछ ऐसा होता है प्रिज्म, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, या मैं उसकी 2D फिगर बता रहा हूँ, तो ये ऐसे सामने वाला फेस है, ये फ्रंट फेस है, तो आप उसको यूं मोड़ते हो तो ये सामने वाली चीज़ जो है ट्रायंगल दिखती है, और पीछे भी ट्रायंगल होती है, बाकी ये वाली इसके पीछे वाली और नीचे वाली साइड जो होती है वो रेक्टेंगल होती है, और ये मेरा होता है एक तरीके का प्रिज्म। क्या होता है? प्रिज्म होता है। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब अगर इस प्रिज्म में से आपकी लाइट जाएगी तो वो जो लाइट है वो कैसे मूव करेगी और कैसे बिहेव करेगी, वो चीज़ हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रिज्म है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं प्रिज्म कैसा दिखता है, इवन आप परचेज करके ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रिज्म में से वाइट लाइट का कोई भी सोर्स आप भेजेंगे ना, तो उस वाइट लाइट के सोर्स, मतलब इवन जो सूरज की रोशनी है वो भी वाइट लाइट के सोर्स के, तो उसमें जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में टूट जाती है। इट ब्रेक्स डाउन इंटू 7 कलर्स, दैट इज़ योर विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वो 7 कलर्स में आपकी टूट जाती है और आपको रेनबो टाइप चीज़ मिल जाती है, अगर आप इसमें से वाइट लाइट को भेजेंगे इस प्रिज्म में से। ठीक है बेटा, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर छोटा था बट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऐसे डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। शब्बा खैर, जय माता दी, लेट्स रॉक। थैंक यू बेटा।